नमस्कार। आलोक संस्थान की ओर से आज यहाँ स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर स्वच्छांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम आलोक विवेकानंद गुरुकुल छात्रावास के बच्चों द्वारा आज यहाँ पर पूरे इस पार्क की सफाई की गई है और अभी भी सफाई चल रही है। आप देखें बहुत बच्चों ने जंगली घास और जो गाजर घास है उसको भी इकट्ठा किया है। यहाँ पर गंदगी पहले से साफ कर ली गई है। करीब आधे घंटे से यह अभियान यहाँ पर चल रहा है। प्रति एक उत्तरदायित्व है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जहाँ स्वच्छता होगी वहीं ईश्वर का वास होगा। हमारी संस्कृति यही कहती है कि जहाँ पर दरिद्रता रहेगी, गंदगी रहेगी, वहाँ दरिद्रता रहेगी, लेकिन जहाँ पर स्वच्छता होगी वहीं पर लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए दीपावली से पहले हम सब मिलकर ये घास, जंगली घास को साफ कर रहे हैं, गाजर घास को हटा रहे हैं और ये पूरा पार्क अब करीब करीब स्वच्छ हो चुका है। आइए हम मिलकर अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है, आज 9-10 बजे से 11 बजे तक हम आधे घंटे तक और इस अभियान को यहाँ पर चलाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने घरों के आसपास, घर की सफाई तो सब करते हैं लेकिन अपने घरों के आसपास भी आप स्वच्छता के अभियान को चलाएं। सबसे पहले तो आप सभी को इस स्वच्छांजलि कार्यक्रम के मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सबको आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज स्वच्छांजलि महात्मा गांधी की इस जयंती की पूर्व संध्या पर अपने को ये कार्यक्रम आज यहाँ मिला है, हमारा गौरव है। मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और जब 2014 में इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत उन्होंने की तो मैंने सोचा ये पहले सफाई का अभियान, फिर उन्होंने घर घर टॉयलेट अभियान चलाया और स्वयं एक थाने के बाहर जाके सफाई के अभियान की शुरुआत की। हमने 30 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, हमने 30 सितंबर को राजसमंद झील पर आलोक राजसमंद के बच्चों को ले जाकर हमने सफाई का अभियान शुरू किया और यहाँ प्राइमरी के बच्चों को ले जाकर सेक्टर 14 के पार्क में बच्चों ने पार्क की सफाई की। जैसे आज हम इस विवेकानंद गुरुकुल छात्रावास के बच्चे यहाँ पर आज पूरे इस श्रीमद वल्लभाचार्य पार्क जहाँ पर भगवान परशुराम की भी मूर्ति लगी हुई है इसकी सफाई करेंगे। तो मुझे लगा मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने ये विचार क्यों किया। तब मुझे फिर सनातन धर्म की बात याद आ गई कि जहां पर गंदगी होती है वहां दरिद्रता होती है। तो हमारे दीपावली के अवसर पर हम सबसे पहले घरों में सफाई करते हैं, सफाई करके हम उस दरिद्रता को बाहर करते हैं और उसके बाद लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह विचार किया कि आज हम सफाई करेंगे और सफाई का अभियान चलाएंगे, एक स्वच्छांजलि महात्मा गांधी को देंगे, उनकी आत्मा को आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो महात्मा गांधी को ये श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि स्वच्छांजलि के रूप में दे रहे हैं तो महात्मा गांधी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होने वाला है और महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ये दरिद्रता भी हटेगी। और दरिद्रता हट रही है, हम विश्व की एक नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हम सफाई करें, मन के मैल को भी साफ करें, हम शरीर के मैल को भी साफ करें, हम विचारों से भी स्वच्छ हो, हम हमारे कर्मों से भी स्वच्छ हो और हम हमारे आसपास की गंदगी को भी दूर करें। इसलिए जहां लक्ष्मी का वास अगर आप चाहते हैं तो सफाई करिए, साफ रहिए, स्वच्छता फैलाइए। मेरा घर साफ हो और सड़क पे कचरा फैलाएं तो उससे बड़ा दुष्टता कुछ नहीं हो सकती। तो मेहरबानी करके पॉलीथिन का प्रयोग न करें, सड़क को भी साफ रखें, घर से ज्यादा चिंता सार्वजनिक स्थानों की करें ताकि आपकी सभ्यता नजर आए, आप असभ्य ना दिखे। हम पार्कों में जाते हैं और वहां खा के वही चुपचाप कोई देख नहीं रहा तो रेपर फेंक देते हैं, ये बहुत गलत बात है। अपने स्कूलों को साफ रखें, अपने हॉस्पिटल्स को साफ रखें,
मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस स्वच्छता अभियान के भागीदार बने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, श्रीमद् वल्लभाचार्य की जय, जवान और जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, दो बार जय विज्ञान, हम अब एक स्वच्छता की हम एक शपथ लेंगे। हाथ राइट हैंड ऊंचा कर लीजिए, मेरे राइट हैंड में चूंकि माइक है, आप अपना ऊंचा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हम सब आज यहाँ 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर आज यह शपथ लेते हैं, हम अपने घर के आसपास के वातावरण को निर्मल बनाए रखने के लिए स्वच्छ रखेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर भी गंदगी नहीं करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।